अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी कैसे मारी जाती है, ये कोई पूर्व मंत्री बद्रीलाल से सीखे। राजगढ़ कलेक्टर ने सीए के समर्थन में रैली निकाल रहे कार्यकर्ताओं पर थप्पड़ बरसाए थे। भाजपा को भी बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया था। कलेक्टर के जरिए पूरी की पूरी भाजपा कमलनाथ सरकार को घेरने में जुटी हुई थी, इसीलिए भाजपा के बड़े से लेकर छोटे सभी कार्यकर्ता उसी जगह पर एकजुट होकर कलेक्टर के खिलाफ सभा कर एफआईआर लिखाने पहुंचे थे। मगर अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष दो। सभा में भाषण देते हुए पूर्व मंत्री बद्रीलाल इतने जोश में आ गए कि होश खो बैठे और ऐसा कुछ बोल गए जो किसी भी महिला को नगवार गुजरेगा। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पूर्व मंत्री बद्रीलाल की जवान फिसल गई। राजगढ़ में सीए के समर्थन में निकली भाजपा की रैली में कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर द्वारा मारपीट करने के विरोध में भाजपा ने सभा की। इस दौरान पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने सभा में कलेक्टर को लेकर घटिया टिप्पणी कर डाली। कहा कि कलेक्टर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रेम से दूध पिलाती हैं, गोद में बिठाकर दूध पिलाती हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को चाटे मारती हैं, ये बदले की भावना है। खैर, मामला कुछ भी हो, कलेक्टर ने भले ही गलत किया हो, मगर एक महिला पर इस तरह की घटिया टिप्पणी का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को तो प्रेम से दूध पिलाती है, गोद में बिठा के दूध पिलाती है और भारतीय जनता पार्टियों के साथ चाटा मारती है, झंडा मारती है, ये बदले की भावना है। सभा में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय भी शिरकत करने पहुंचे। ये सभी कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ एफआईआर करवाने पहुंचे थे। राजगढ़ में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था। आपको बता दें कि राजगढ़ की घटना को लेकर कलेक्टर निधि निवेदिता को हाईकोर्ट ने नोटिस भेज दिया है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने राजगढ़ में सीए रैली में हुए घटनाक्रम के मामले में लगाई गई जनहित याचिका में मध्य प्रदेश सरकार और राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। जनहित याचिका हर्षवर्धन शर्मा ने लगाई है। इस मामले में अधिवक्ता पुण्य मित्र भार्गव ने बहस की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।